राणा दंपति को 4 मई को ही जेल से जमानत मिली थी, लेकिन ये जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि दोनों में से कोई भी हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर मीडिया के आगे खुलकर नहीं बोलेगा। लेकिन अब ये शर्त दोनों ने तोड़ दी है। जी हाँ, नवनीत राणा हॉस्पिटल में एडमिट करवाई गई थी, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही, बाहर आते ही उन्होंने मीडिया के आगे उद्धव ठाकरे सरकार को चुनौती दे दी है और इस विवाद को लेकर मीडिया से बात की है। आपको बता दें, इसी कारण अब महाराष्ट्र सरकार दोबारा इनके खिलाफ जा सकती है। बताया जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवनीत और रवि राणा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा विवाद पर मीडिया से बात न करने की पर ही जमानत दी थी, लेकिन रविवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा को मीडिया से बातचीत करते हुए देखा गया। 23 अप्रैल को राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 4 मई को ही दोनों को जमानत दे दी गई थी। जमानत में मीडिया से बात ना करने की शर्त रखी गई थी। आपको बता दें, जेल से बाहर आते ही अस्पताल में नवनीत राणा को भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में 3 दिनों के इलाज के बाद नवनीत राणा को आज डिस्चार्ज किया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने मीडिया से बात की। उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फिर से चुनौती दे दी है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर बातें कही हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।